وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله وتوبة نصوحا صدق الله العظيم وعف عزم بمني بيسر سامان مددي ابلعي دين مددي كعبعي إيمان مددي انتظار کرم پشت منی عینی را اے خدا جن و خدا بن و خدا دان مددی بگندا بے بلا مفتاد کشتی ضعیفان و شکستارا تو پشتی محق کے خواجہ عثمانی حارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی ممبر پر بنا تفوز برادر مکرم حضرت علامہ جاوید اختر اسماعیل صاحب وہ دارالعلوم حاضرہ کے ناظم اعلیٰ نقیب محفل جمیع علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی سروت شہریار ارم تاجدار خرم و بہار شفاعت شب اسرا کی دولہا نوش بزم جنت دانائی سبل مولائی کل ختم رسل خسرن خوبا سیاح لامتا وجہ کن فتا در اللہ المقنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آبو گل انبیاء جانو دل اسبیاء مطلع ہر سعادت مقتع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور مد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ وعلا رخ دن ہے یا مہرے سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا مشکے خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر بے پرد جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں دن لمحہ میں کھونا تجھے شب صبح تک سنا تجھے شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ڈر تھا کیسیاں کی سزا اب ہو گیا روز جزا ڈر تھا کیسیاں کی سزا
अब होगी या रोज़े जज़ा, दी उनकी रहमत ने सज़ा, ये भी नहीं वो भी नहीं। आज की ये महफिल दारुल उलूम के दस्तार के मौके पर मुनक्किद की गई है और साथ ही साथ इस्लामी अकायद व अमाल भी इसका उन्वान है। शबे बरात बिल्कुल करीब है, इसी हफ्ते में वो मुबारक रात आने वाली है जिस रात के मुताबिक अहदीस में आया है कि उसमें पैदा होने वालों की पैदाइश और मरने वालों की मौत और रिस्क के हवाले से फैसले के दफाती फरिश्तों के हवाले किए जाते हैं। बड़ी अजीम रात है जिसे निस्फ शाबान की रात कहते हैं, शबे बरात भी कहते हैं, लैलतुल बरा भी कहते हैं, लैलतुल निजात भी कहते हैं। तो ये मुबारक रात है। इस रात में अल्लाह तबारक व तआला बनु कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर जहन्नमियों को जहन्नम से आजाद फरमाता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक यानी कसरत से लोगों की बख्शिश कर देता है, कसरत से लोग बख्श दिए जाते हैं, मगर कुछ ऐसे भी कम नसीब हैं जिनकी शबे बरात में भी बख्शिश नहीं होती। अल्लाह करे हम उनमें से ना हों, अल्लाह हमें महफूज रखे। अल्लाह के रसूल गैर का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद लोगों का जिक्र फरमाया कि शबे बरात में अल्लाह उनको नहीं बख्शता उस वक्त तक जब तक वो अपने उन आमाल से तौबा ना कर ले, अल्लाह की बारगाह में माफी तलब न कर ले। उनमें से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद फरमाते हैं कि शबे बरात में जितनी बख्शिश नहीं होती उनमें से एक शख्स वो है जो अपने माँ बाप को तकलीफ पहुंचाता है, जो अपने माँ बाप का दिल दुखाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप अंदाजा फरमाएं शबे बरात में जिसके मुताबिक अहदीस में आया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सरे शाम से यानी सूरज गुरूब होने से लेकर तुलूबे सुबह सादिक तक अल्लाह रब्बुल इज्जत पहले आसमान पर तजल्ली फरमाता है जैसा कि उसकी शान है, और फिर वो अपनी शान के मुताबिक अपने बंदों को पुकार पुकार कर कहता है कौन है मुझसे तौबा का तालिब, कौन है मुझसे मगफिरत का तालिब ताकि मैं उसके गुनाहों को माफ कर दूं, कौन है रोजी मांगने वाला ताकि मैं उसको रोजी अदा करूं, कौन है औलाद का तलब करने वाला ताकि मैं उसको औलाद अदा करूं, कौन है अपनी हाजतों को पेश करने वाला ताकि मैं उसकी हाजतों को पूरा करूं। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के जितने बंदे कलमा पढ़ने वाले हैं रब तबारक व तआला जो कलमा पढ़ के कलमे का तकाजा पूरा करते हैं, जरूरियात दीन पर ईमान रखते हैं, उन सब कुशीदा लोगों की अल्लाह मगफिरत कर देता है, मगर उनमें जो कम नसीब नहीं बख्शे जाते उनमें अल्लाह के सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिन्हें बख्शा नहीं जाता उनमें से एक तो है जो माँ बाप का दिल दुखाए, माँ बाप की नाफरमानी करे, अल्लाह हो पर उस वक्त तक उसकी बख्शिश नहीं होगी जब तक तुम अपने माँ बाप को राजी न कर ले, उनसे माफी तलब न कर ले। इससे पता चला कि माँ बाप की खुशी कितनी अहम है, माँ बाप की रजा कितनी अहम है, माँ बाप को खुश रखना कितना अहम है। आज के माशरे के अंदर हम देख रहे हैं कि अल्लाह हो पर नौजवानों की तवज्जो बहुत हद तक नमाजों की तरफ भी हो रही है, दीन की तरफ भी हो रही है, उमरा को भी जा रहे हैं, हज को भी जा रहे हैं, इबादतों की तरफ तवज्जो भी कर रहे हैं, तसव्वुफ की तरफ उनके कदम भी पड़ रहे हैं, कुरान और हदीस की तालीमात की तरफ भी वो बजाय बढ़ते नजर आते हैं। लेकिन जब माँ बाप के हवाले से उनके जज्बात पे
देखे जाएं तो पता चलता है कि माँ बाप के दिल दुखाने के हवाले से उनको बहुत ज्यादा जो है एहसास नहीं है, तबीयत में हसासियत नहीं है। आज का जवान अपने माँ बाप को मुंह उठाकर जब चाहे जो चाहे वो बाप कह देता है, सुन लो और अच्छी तरह सुन लो। शरीफ के लिखते हैं कि माँ बाप से बात करने के आदाब में से अदब ये है कि डायरेक्ट तुम अपने माँ बाप से गुफ्तगू नहीं कर सकते। आज एक इंसान 4-5 हजार की नौकरी जिस सेठ के पास करता है उसके सामने हाथ बांधकर खड़ा रहता है, उसके सामने निगाहें झुकाकर खड़ा रहता है। अल्लाह अकबर, हालत ये है आजकल के नौजवानों की, अगर किसी ने एहसान कर दिया तो उसके एहसान तले दबे रहते हैं। नौकरी किसी ने लगा दी, किसी ने कोई एहसान किया तो बहुत उसको लेकर के चलते हैं। लेकिन जिस माँ ने 9 महीने तक अपने शिकम में रखा, जिस माँ ने 2 साल तक के दूध पिलाया, जिस बाप ने अपनी पूरी जवानी का और अपने शबाब का आलम अपने बच्चे की तरक्की और रूज के लिए टच दिया, उन माँ बाप की आज के समाज में, आज के माशरे में कोई अहमियत नहीं है। अल्लाह अकबर, बूढ़े माँ बाप को घर का कचरा समझा जाता है, बूढ़े माँ बाप को बोझ समझा जाता है, बूढ़े माँ बाप को कोई अहमियत नहीं दी जाती। सुन लो, इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं हदीसे तैयबा की रोशनी में उसका इतने मजमुआ निचोड़ कर बयान करते हैं। ऐसे तुम डायरेक्ट अपने माँ बाप से बात नहीं कर सकते। बड़े बड़े ऑफिसरों का एहतराम करने वालों, दुनिया के मानदारों का एहतराम करने वालों, सबसे मोहतरम अगर रूहे जमीन पर आज की तारीख में आपके लिए कोई है तो वो आपके माँ बाप है। इमाम लिखते हैं डायरेक्ट अपने माँ बाप से गुफ्तगू नहीं कर सकते, बल्कि पहले अपने माँ बाप से इजाजत दो। अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें गुफ्तगू करने की इजाजत दें तो फिर ऐसे गुफ्तगू करो जैसे एक गुलाम अपने आका से गुफ्तगू करता है। अब आपसे पूछना चाहता हूँ, कौन औलाद है जो अपने माँ बाप से इस तरह की गुफ्तगू करते हैं? बल्कि आज तो फिल्में देखकर, सीरियल देखकर, अल्लाह अकबर, दुनिया के इस जंजाल के अंदर, दुनिया और मगरबी तहजीब के जंजाल में फंसकर इंसान माँ बाप को कोई बुढ़ा कह रहा है, कोई बुढ़ी कह रहा है, पता नहीं कैसे कैसे अल्फाज माँ बाप के सामने कहे जाते हैं। हमारे बुजुर्गों ने यहाँ तक लिखा, अगर माँ बाप बैठे हो और उनके पास बैठकर किताब पढ़ना है तो पहले माँ बाप से इजाजत दो किताब पढ़ने की, वरना उनके सामने बैठकर किताब न पढ़ो। मैंने सोचा सूफिया ने ये क्यों कहा कि उनके पास बैठकर किताब ना पढ़ो? उसकी वजह ये है, किताब में देखेंगे तो इल्म मिलेगा, माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देखेंगे तो मकबूल हज का सवाब मिलेगा। मेरे आका ने सलाम के प्यारे दीवानों, अब आप मुझे बताएं, माँ बाप मौजूद हो तो उनके पास बैठकर किताब पढ़ने के लिए इजाजत लेना जरूरी है ताकि उनकी बेअदबी ना हो जाए, उनका दिल ना दुख जाए। आजकल तो लोग माँ बाप के पास बैठते ही नहीं है। एक पूरा बाप अपनी औलाद के लिए मुतमन्नी रहता है, एक पूरी माँ अपनी औलाद की मुंतजर रहती है, मेरा बच्चा घर में आएगा, मेरी खैरियत पूछेगा, मेरी खैरियत तलब करेगा, लेकिन माँ बाप की कोई खैरियत पूछने वाला नहीं। अल्लाह अकबर, इस कदर भी नादान जवान दुनिया में मौजूद है। अगर पार्टी के लिए दोस्तों के साथ कहीं जा रहे हैं तो सब अपनी जेब में हाथ डालते हैं, कॉफी का पैसा मैं दूंगा, कॉफी का पैसा मैं दूंगा, चाय का पैसा मैं दूंगा, खाने का पैसा मैं दूंगा, यानी बाहर दोस्तों पे खर्च की बात है तो हर आदमी जेब में हाथ डालता है। बहुत अच्छी बात है, मैं मना नहीं करता, लेकिन जब यही इंसान घर के अंदर आता है और माँ बाप बूढ़े बीमार है तो एक भाई दूसरे से कहता है, क्या तेरा बाप नहीं है तू नहीं खर्च कर सकता, क्या तेरी माँ नहीं है तू नहीं खर्च कर सकता? ये कयामत की निशानियों में से निशानी है। मेरे और तुम्हारे गैब का नबी, सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत की निशानियों में से निशानी ये है कि दोस्तों पर दिल खोल के खर्च किया जाएगा और माँ बाप पर खर्च नहीं किया जाएगा, माँ बाप के दिल ये दिल छोटा किया जाएगा। अरे नादान, ये दोस्तों कौन होते हैं? अल्लाह अकबर, दोस्तों कितनी ही वफा करे, कितनी ही वफा करे, लेकिन अल्लाह अकबर, मरने के बाद वो दोस्त
तेरे काम नहीं आ सकता, मगर वो माँ बाप जिसने अल्लाह अकबर शिकम से लेकर के दूध पिलाने तक और दूध पिलाने से लेकर गीले बिस्तर पे खुद सोकर हमें सुलाने तक कितना हम पर एहसान किया, आज हमने उनके एहसान को फरामोश कर दिया, आज हमने उनके एहसान को भुला दिया। मतलब दुनिया के चक्कर में माँ बाप को फरामोश करने वालों अच्छी तरह से सुन लो, अगर इंसान माँ बाप को छोड़कर अल्लाह की तरफ जाए तो उसको अल्लाह भी नहीं मिलेगा। माँ बाप छोड़कर मैं बहुत अहम बात कर रही हूं, माँ बाप छोड़कर अगर कोई अल्लाह की तरफ जाए उसको अल्लाह भी नहीं मिलेगा। आज लोग पसंद की शादियों की तरफ जा रहे हैं माँ बाप को छोड़ कर, आज लोग लड़कियों से नाजायज ताल्लुकात की तरफ जा रहे हैं माँ बाप को छोड़ कर। आइए मैं बात आपसे करूं, हमारी जमात के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं हज़रत अल्लामा उस्मान रज़ी अल्लाह तबारक व तआला, उन्होंने अपनी किताब के अंदर ये बात लिखी। अल्लामा उस्मान अपनी किताब में बात लिखते हैं, बहुत तवज्जो से सुनना। हजरत सैयदी सुल्तानुल आरिफीन बायजीद बुस्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये कौन है? ये सरकार गौसे आलम शेख अब्दुल कादिर जिलानी से भी सीनियर है, पहले के बुजुर्ग है। और हजरत जमात में ऐसा है जैसे जिब्रील का मकाम फरिश्तों की जमात में। यानी जो मकाम